हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट समीर, एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर। क्योंकि मैं एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर हूँ, इस बिहाफ से मैं एक काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन, जो एक्चुअली में जो रियलिटी है सिविल डिफेंस की, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, पर इस चीज़ को मैं श्योर करता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद जो सिविल डिफेंस की रियलिटी है वो आपको पता चल जाएगी। राइट, सो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, ताकि आपको और आपके जो रिलेटिव हैं या फिर आपके जो फ्रेंड सिविल डिफेंस में कर रहे हैं उनको रियलिटी पता चल सके और कोई भी फ्रॉड होने से आप बच सके। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर आपको कहता है कि मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको ड्यूटी लगवा दूंगा या और कोई आपको काम करा दूंगा, तो वो स्ट्रिक्टली डायरेक्टली फ्रॉड है। सिविल डिफेंस में प्रेजेंट में कोई पैसा दे के आपका काम नहीं हो रहा है। हालांकि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, सिविल डिफेंस में ड्यूटी नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नंबर्स ऑफ वॉलेंटियर सप्लाई कर चुके हैं कि उनको किस तरह से हैंडल करना है, टॉलरेट करना है। टॉलरेट तो हालांकि डिफरेंट चीज़ हो जाती है, उन चीज़ को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, उन सबको कैसे ड्यूटी प्रोवाइड करनी है, किन किन के थ्रू वो हैंडल किए जाएंगे, कोई भी इस वक्त प्रॉपर रूल्स या रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि नंबर्स ऑफ वैकेंसी ड्यूटीज़ की अगर मैं बात करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, कहीं पर 20 है, कहीं पर 30 है, कहीं पर 100, 150, 200, हद से ज़्यादा। पर इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, पर नंबर्स ऑफ वॉलेंटियर्स की अगर मैं बात करता हूँ, कहीं पे 1,000, 2,000, 10-10 हज़ार अगर मैं बात करता हूँ एक पर्टिकुलर डिवीज़न से। डिवीज़न इन द सेंस अगर मैं बात करता हूँ, वसंत कुंज हो जाता है, दिल्ली गेंट हो जाता है, कश्मीरी गेट, दरियागंज, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ। वैकेंसी लिमिटेड आएगी 100, 200, 150 जो मैक्सिमम ये वैकेंसी जाती है, जो कि मार्शल में आती है इतनी वैकेंसी। राइट, कहीं पर भी ड्यूटी अवेलेबल नहीं है। पर आप काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, आपके एरिया के जो नॉर्मली होता है, अगर किसी की ऑलरेडी सिविल डिफेंस में ड्यूटी लगी हुई है, वो कहते हैं कि आप भी सिविल डिफेंस के फॉर्म भर दीजिए, आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपका फॉर्म भरवा दूँगा, पैसे लगवा दूँगा। क्योंकि जो जो नया वॉलेंटियर होता है, सबको ये लगता है दूसरे की थाली में घी ज़्यादा लगता है। आपको दूर से लगता है कि हाँ भाई, बंदे ने ड्रेस पहनी हुई है, उसके पास कुछ ना कुछ पावर होगी, अथॉरिटीज़ होगी, गवर्नमेंट जॉब होगी, फलाना एंड फलाना, सो एंड सो। पर रियलिटी अगर बात करता हूँ, बिल्कुल अपोजिट है। हम बिल्कुल दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, पर इसमें जो फ्रॉड है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हायर अथॉरिटी से या ऑफिस साइड से या ऑफिशियली कोई भी फ्रॉड नहीं होता है, पर बीच में क्योंकि वॉलेंटियर्स को अवेयरनेस नहीं है, पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है सिविल डिफेंस की, एक्चुअली क्या रियलिटी है, किस लिए वो वर्क करते हैं, क्यों बनाई गई है, क्या इसका रीज़न है, कहाँ कहाँ पर इसके ऑफिस है, कौन इसका एक्चुअली में टेक केयर करता है, किसके थ्रू ये हैंडल की जाती है, क्या इसका पर्पस है, किसी को एक्चुअली में पता ही नहीं है। साथ ही साथ अगर बात करता हूँ, कहीं कहीं पे सिविल डिफेंस का मिसयूज़ भी किया जाता है। मिसयूज़ इन द सेंस अगर बात करता हूँ, किसी वॉलंटियर्स की अगर पर्टिकुलर ऑफिस में कहीं पे वैकेंसी लग ड्यूटी लगती है या फिर किसी की PSO में ड्यूटी लगती है, सो उस सिनेरियो में ड्यूटी ये होती है कि जिस भी ऑफिसर के अंडर में ये ड्यूटी लगी हुई है, उसके ऑफिस के जो वर्क होते हैं वो हैंडल किए जाते हैं, वो मैनेज किए जाते हैं। पर काफ़ी टाइम क्या होता है, हायर अथॉरिटीज़, हायर ऑफिसर के थ्रू जो उनके घर के काम होते हैं वो भी करवाए जाते हैं, लाइक उनके घर की सब्जी लानी है, बच्चों को हैंडल करना है, और कुछ मीन्स काफ़ी तरह के काम आ जाते हैं जो कि प्रॉपरली इलीगल है। एंड काफ़ी अगर बात करता हूँ, आँख खोलने वाली बात ये हो जाती है कि काफ़ी सारे वॉलेंटियर्स इस चीज़ को एक्चुअली में करते हैं, जहाँ पर उनको डिनाई कर देना चाहिए, जहाँ पर उनको अपना स्टैंड लेना चाहिए, क्लियरली कोई स्टैंड नहीं लेते। हालांकि कुछ स्टैंड लेते हैं, अगर वो स्टैंड लेते हैं उन्हीं के लिए प्लस पॉइंट होता है कि शुरुआत एक जगह से होती है। अभी वो आपसे घर के काम करा रहे, कल आपसे सब्जी मंगवाएंगे, परसों आपसे और कुछ करवाएंगे, मीन्स धीरे धीरे जो बाउंडेशन है वो बढ़ती चली जाती है। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। सिविल डिफेंस के रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, जो कि प्रॉपरली एक निष्काम ऑर्गेनाइजेशन है, रिसेंटली हमारे हायर अथॉरिटीज़ ऑफिसर के थ्रू ये कोशिश की जा रही है कि वॉलेंटियर्स, क्योंकि इसमें जुड़े हुए, फाइनेंशियली हेल्प उनको की जा सके, उन्हें पेड ड्यूटी दी जा सके। पर इसका मोटो अगर हम बात करते हैं, ये एक निष्काम राइट अनपेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें वॉलेंटियर्स को अनपेड किया जाता है। बेसिकली अगर हम बात करता हूँ, कोई पेड उन्हें नहीं मिलता है। इसमें आपको ट्रेनिंग मिलती है काफ़ी तरह की, जिसमें आप अपनी ग्रूमिंग से रिलेटेड, पर्सनैलिटी से रिलेटेड, सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड, या फिर किसी डिजास्टर में आपको किस तरह से एक्ट करना है उससे रिलेटेड, या फिर अपने आप को सेफ रखते हुए आप दूसरे पर्सन की कैसे हेल्प कर सकते हैं, इस तरह की काफ़ी प्लेंटीज ऑफ ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड की जाती है, प्लेंटीज ऑफ सर्विस इसमें प्रोवाइड की जाती है,
प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है, पर जब तक आपको एक्चुअली में रियलिटी नहीं पता होगी सिविल डिफेंस का, कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक तरह से अपना और अपने घर वालों का जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे फ्यूचर सोच रहे हैं, आप किसी भी सिविल डिफेंस के किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में विज़िट कर लीजिए, वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है सिविल डिफेंस का कोई भी फ्यूचर नहीं है, कोई परमानेंट ड्यूटी नहीं है। जिसकी पेड ड्यूटी लगी हुई है, चाहे वो मार्शल हो, चाहे ऑफिस में लगा हो, चाहे पीएस हो, कल उनकी ड्यूटी हटाई जा सकती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, कल उनकी ड्यूटी हट सकती है विदाउट एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, अगर बात करते तो एडवांस नोटिस के बिना। सो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें। अगर आप कहीं पर पेड परमानेंट ड्यूटी करेंगे या फिर प्राइवेट सेक्टर में करेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में करेंगे, सो वहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, एक्सपीरियंस आपके पास होता है, एक पर्टिकुलर सैलरी स्लिप आपको मिलती है। सिविल डिफेंस में ना आपको सैलरी स्लिप मिलती है, ना पीएफ कटता है, ना ईएसआईसी है, ना इंश्योरेंस है। काफ़ी सारे ऐसे में अगर बात करता हूँ, मेरे खुद फ्रेंड सर्कल में या रिलेशन में है जो सिविल डिफेंस में ड्यूटी कर रहे हैं, पर उनकी लाइफ की 1% की सिक्योरिटी नहीं है। अगर कल को कुछ हो जाता है, हमारे हायर अथॉरिटीज़ ऑफिसर बिल्कुल अपने हैंड ऊपर कर लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके लिए चैरिटी ऑर्गेनाइज कर दी जाएगी, वॉलेंटरी की जाएगी कि इनके साथ मिसहैप नहीं हो गई है, ये इस वो इस डिस्ट्रिक्ट में इस डिवीज़न में हमारे वॉलेंटियर्स है, इनके लिए हेल्प की जाए। एक तरह से चंदा कलेक्ट किया जाता है, मैक्स टू मैक्स अगर चंदे की बात करता हूँ आपको 60,000, 50,000, 70,000, नथिंग एल्स। इससे ज़्यादा की उम्मीद मत कीजिएगा अगर कल को कुछ हो जाता है। आप ये सोचें कि हाँ भाई, दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि अगर कल को कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। एक्सेप्शनल केस होते हैं, राइट? अगर ऑन ड्यूटी अगर मैं बात करता हूँ, काफ़ी सारे ऐसे एक्सेप्शन केस हुए, अगर ऑन ड्यूटी भी वॉलंटियर्स को कुछ हो जाता है, गारंटी नहीं है कि आपको अमाउंट मिलेगा, राइट? सो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखें, रियलिटी समझे, तभी आगे जाके फर्दर कोई स्टेप ले। मैं आज की वीडियो यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।